हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लादी पाव। इस कड़ाके की ठंड में और विंटर सीजन में जो मैदे से डो बनाया जाता है उसको हम कैसे फर्मेंट कर सकते हैं, तो आज हम आपको कुछ आसान से टिप्स के साथ बताएंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पाव को आसानी से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिए हैं 3.5 कप मैदा। अगर आप तोल से देखेंगे तो पूरा हमारा 0.5 किलो मैदा है। इसको अब छान लेते हैं। हम जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो 0.5 किलो मैदे के हिसाब से डाल रहे हैं। तो मैं इसमें डालूंगी 6 टीस्पून पाउडर शुगर। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 6 टीस्पून पाउडर शुगर डाल दिया। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें सॉल्ट। और हम इसमें डाल रहे हैं इंस्टेंट एक्टिव ड्राई यीस्ट। हम इसमें डाल रहे हैं, यह यीस्ट सीधा हमें मैदे में मिलाना होता है इसे। तो हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून डालेंगे हम इसमें यीस्ट। अब हम इसे मिला देंगे। अब हम इसमें लेंगे, ये नॉर्मल पानी है गुनगुना, तो हमें ठंडा पानी नहीं डालना, नहीं तो इसे फर्मेंट होने के लिए टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए हम गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूंद लेंगे। हमारा 1 कप पानी लग गया है। और हमें इसको टाइट डो नहीं बनाना, सॉफ्ट रखना है। जितना हम सॉफ्ट रखेंगे उतना ही ये जल्दी से फर्मेंट होगा। अगर हम इसका आटा टाइट गूंदेंगे तो ये फर्मेंट देर से होगा। हमने 0.5 कप पानी और ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये 6 टीस्पून है हमारा ऑयल। थोड़ा सा हम ऑयल बचा लेंगे 1 टीस्पून के करीब, हम उसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। मैं ये बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ और मैं ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये। थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी हमें गुनगुना ही इस्तेमाल करना है। पहले हम इसे आटे की तरह गूंदेंगे। थोड़ा सा पानी लेके अब जो हमें असली काम करना है वो हमें अब करना है। तो हमें इसको ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे ये हमारा आटा उतना ही जल्दी फर्मेंट होगा। स्ट्रेच करने के बाद जब 10-15 मिनट हो जाएंगे तो हम इसको ऐसे पटकेंगे, ऐसे 20 से 30 बार हम इसको ऐसे ही पटकेंगे। फ्रेंड्स, हमने पटक पटक कर इसे चिकना कर लिया और हमारा 2 टेबलस्पून और ऑयल लगा था और 1 टीस्पून हमने इसमें और डाल दिए। ये देखिए कितना चिकना हो गया आटा, और कहीं से बीच में से भी फट नहीं रहा। तो इससे इसको हमने अच्छे से स्ट्रेच करा था और इसको हमने पटका था। इसे पटकने से एक तो ये फायदा होता है और हमारे जो लादी पाव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक बड़ा पाव लेंगे और इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ऑयल। इसके चारों तरफ लगा देंगे। बाउल को गर्म कपड़े में या मोटे कपड़े में लपेट के इसे गर्म जगह पर रख सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। चलिए अब हम आपको आसान सी ट्रिक्स बताते हैं जिससे हमारा जो डो है 1.5 से 2 घंटे में राइस हो जाएगा आराम से। फ्रेंड्स, हमने रख दिया कढ़ाई में 2 गिलास पानी और हम इसे ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हम इसे इतना गर्म करेंगे गुनगुने से हल्का सा तेज। तो चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं। हमारी उंगली बस बर्दाश्त करनी चाहिए, हमें पानी गुनगुने से थोड़ा सा तेज रखना है, ज़्यादा गर्म हमें पानी नहीं करना, नहीं तो डो हमारा नीचे से पकने लगेगा। तो अब हमारा ये पानी हो चुका है और हम अपने इसको रख देंगे, बर्तन को गैस बंद रखनी है हमें।
इसके ऊपर कोई कपड़ा रख के सारी सी चीज़ या कोई भी चकला रख दें। अगर आपके पास बड़ी प्लेट है तो कि कवर हो जाए, गहरी सी कढ़ाई हो तो ये पूरा कवर हो जाएगा, इसको ढक देंगे। मगर हमारी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, दो बार पानी को गर्म करना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए जब होगा, क्योंकि हमारा अब इधर से खुला हुआ है तो ये पानी जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अभी हम 2 घंटे बाद दिखाएंगे या 1.5 घंटे में। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें हो गया है 1.5 घंटा, हम इसे हटा के देखते हैं। ये देखिए हमारा राइस हो गया, कितना फूल गया हमारा आटा। ये बहुत आसान ट्रिक्स है। अगर आप ऐसे राइस करेंगे किसी चीज़ का भी आटा तो ये राइस हो जाएगा। मुझे 2 बार पानी गर्म करना पड़ा था 1/2 घंटे के बाद, और फिर 1 घंटे तक हमारा पानी ऐसे ही रहा गुनगुना। तो चलिए अब हम इसकी लोइयां बनाते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे और देखिए कितनी एयर भर गई थी इसमें। तो हमारा डो जो है अच्छे से फर्मेंट हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मलेंगे जो इसकी अच्छी तरह से एयर निकल जाए। हमारा आटा नीचे की तरफ से भी चिकना है। अगर हम गर्म कपड़े में लपेट के रख देते जब भी हमें 4 से 6 घंटे का टाइम लग जाता। मैंने बेकिंग ट्रे में प्लेन पेपर लेके इस पर ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर बनाकर इस पर लगा दिया। लोइयां बनाएंगे, लोइयां ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके पूरी मुट्ठी बंद जानी चाहिए और इसको ये ऐसे कट जाएगा। ये देखिए कट गए। तो हम इसको ऐसे बंद करेंगे मुंह को, ऐसे इसका मुंह बंद करके तो ऐसे कर दें। जहाँ को मुंह बंद करा इसका, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए ऐसे ही कट जाएगा हाथ से, ऐसे कर लें जैसे आपको आसानी लगती है, जैसे हम रोटी को करते हैं। और ऐसे ही मुंह बंद हो जाएगा इसका। ये देखिए हमने इसको भी बना दिया। अभी एक और हम आपको दिखा देते हैं, हमारी मुट्ठी बंद जानी चाहिए। ये देखिए ये देखिए हम इसको ऐसे ही रखते जाएंगे और थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा और राइस होएगा। मैंने कुछ बड़े बनाए हैं और 4 बन गए छोटे, उससे थोड़े से छोटे बने हैं, तो हमारे एक ही बेकिंग ट्रे में आ गए हैं सारे। अब सभी लोइयों पर हम ऑयल लगा देंगे। मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी। माइक्रोवेव को 5 मिनट के लिए प्री हीट करके 45 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताई थी कि डो को कैसे फर्मेंट किया जाए, तो उस पानी को आप थोड़ा सा तेज गरम कर लें और उस कढ़ाई को ढक दें और उस ढक्कन के ऊपर इस प्लेट को रख दें और फिर इसे ढक दें कपड़े से। कपड़े से ढकने के बाद एक गहरी सी प्लेट ले लें और उसे उल्टी करके रख दें, जिससे कि हमारी लोइयां अगर फूलें तो उस प्लेट से टच ना हो। चलिए अब हम इसे माइक्रोवेव में रख देते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो लादी पाव फर्मेंट करने के लिए रखे थे राइस होने के लिए, ये देखिए अब हम इन्हें बेक करेंगे। पहले इस पर नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए दूध, और हम इस पर लगा देंगे सभी पर। दूध से एक तो अच्छा कलर आएगा और सॉफ्ट भी रहेंगे। अब हम इसे बेक करते हैं। माइक्रोवेव को 180 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको कर लेंगे प्री हीट, और 180 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको 1/2 घंटे के लिए बेक करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे लादी पाव बनकर तैयार हो चुके हैं और हमें पूरा 1/2 घंटा लगा है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर है, और अभी से ही इतने अगर हम दबा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है, और अभी ये ऊपर से थोड़ा सा सख्त है। तो हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। आप बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, मगर मैं घी बटर नहीं लगा रही, ठंडा होने के बाद फिर वो जम जाते हैं, इसलिए मैं ऑयल लगा रही हूँ।
आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे भी कर सकते हैं। हम एक साफ सा कपड़ा लेंगे कॉटन का और इसको साफ पानी से धो के और निचोड़ के और इसको 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। इस गीले कपड़े से हमारे पाँव सॉफ्ट रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पाँव को आधा घंटा हो गया, अब हम इसकी साइड की थोड़ी सी किनारी हटा देंगे। आराम से हट जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, इसका ये बटर पेपर निकाल लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारे पाव, कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। आप इसे पाव भाजी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट बना है। फ्रेंड्स, आप भी जरूर बनाना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप बाहर से ना ला के अगर आप घर में बनाओगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करें। फिर मिलूंगी डिलीशियस डिशेस रेसिपी के साथ। थैंक यू।